नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पुराने विवाद के चलते वृद्ध पर चलाई गोली, वृद्ध हुआ घायल, वृद्ध को सागर रेफर किया गया। सागर के गढ़ाकोटा में शुक्रवार की देर शाम ग्राम सिंहपुर कला में आपसी विवाद को लेकर एक वृद्ध पर गोली चली। भागते समय बुजुर्ग के पैर में छर्रे लगे और बुजुर्ग घायल हो गया। वृद्ध को गांव के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा लाया गया, जिसे ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद सागर रेफर कर दिया। पीड़ित जानकी कुर्मी के अनुसार गांव के ही पूरन कुर्मी ने उन पर दो फायर किए, जिसमें से एक उनके पैर में लगा। बुजुर्ग ने बताया कि आरोपी और उसके अन्य साथियों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तभी मेरे पैर में गोली लग गई। वहीं इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ड्यूटी डॉक्टर विकास राज ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंहपुर ग्राम से घायल जानकी प्रसाद आए हैं, जिनके बाएँ पैर में चोट है। घटना के बारे में जब थाना गढ़ाकोटा में पदस्थ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि घायल जानकी प्रसाद कुर्मी ने आरोप लगाया है कि पूरन कुर्मी ने उसके ऊपर गोली चलाई है, जो उसके पैर के नीचे के हिस्से में लगी है। साथ में हल्ले भाई पप्पू और संतोष कुर्मी थे। अस्पताल जाकर उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है और उसकी विवेचना जारी है। झगड़े की वजह पर थाना प्रभारी ने बताया कि आपसी लड़ाई का मामला है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। घायल आया है, कहां से घायल आया, क्या नाम है? जानकी प्रसाद नाम के व्यक्ति आए हुए हैं सिंहपुर से। इनके बाएं पैर में चोट है। काय की चोट समझ में आ रही? चोट फायर मार इंजरी हो सकती है, इसके लिए अपन इनको सागर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। अभी अभी कैसा है घायल? अभी ठीक है, गंभीर नहीं है। जानकी प्रसाद कहाँ के रहने वाले? सिंहपुर कला। क्या घटना हुई है आपके साथ? गोली चलाई उन्होंने, दोपहर चला जो ऊपर निकल गए एक गलगाओ। किसने चलाई गोली? जी पूरन ने। पूरन, पूरा क्या नाम लिखते हैं? पूरन कुर्मी। गोली चलाई। हाँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने हमें 6-7 जनों ने रख लो, मान हल्ली भाई और अशोक और हनुमत है, हमें खैर नहीं आ रही है मालिक, हम कहाँ बताइए। आपको आपको गोली लगी, कहाँ लगी है? पैर में। ठीक, हमसे पूछ ली था ना मालक यार। जानकी प्रसाद कहाँ के रहने वाले? सिंहपुर कला। क्या घटना हुई है आपके साथ? गोली चलाई उन्होंने, दोपहर चला जो ऊपर निकल गए एक गलगाओ। किसने चलाई गोली? जी पूरन ने। पूरन, पूरा क्या नाम लिखते हैं? पूरन कुर्मी। गोली चलाई। हाँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने हमें 6-7 जनों ने रख लो, मान हल्ली भाई और अशोक और हनुमत है, हमें खैर नहीं आ रही है मालिक, हम कहाँ बताइए। आपको आपको गोली लगी, कहाँ लगी है? पैर में। ठीक, हमसे पूछ ली था ना मालिक यार। गोली चलने की घटना सुनने में आई है, कहाँ गोली चली, कहाँ की घटना है? जानकारी में है कि फरियादी जानकी प्रसाद कुर्मी है, जिसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूरन कुर्मी द्वारा उसके ऊपर गोली चलाई गई, जो कि उसके पैर के नीचे हिस्से में लगी है। साथ में हल्ली भाई थी और पप्पू और संतोष कुर्मी भी थे, जिस पर थाना अस्पताल में जाकर उसकी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई और बेचना जा रही है। सर, झगड़ा किस बात को लेकर चल रहा है? ये आपसे एक किसी बनता है एक दूसरे के विरोध, इस बात को लेकर आपस में उनकी विवादित स्थिति निर्मित रहती है।